हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, यानी निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले फर्दर वीडियोज के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है श्रीनिवास सिंह, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। ऐसी तो इंडिया में हजारों कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अभी मार्केट का हाल क्या है? इसका सॉल्यूशन हमें इंडेक्स देता है। जो अच्छी कंपनीज है, जिसके बैलेंस शीट अच्छी है और मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनके शेयर प्राइस में आए चेंजेस को इंडेक्स दिखाता है, जिससे हम ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाते हैं। इंडेक्स की वजह से हमें सारे कंपनीज के शेयर प्राइस को ट्रैक नहीं करना पड़ता। इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स मेन इंडेक्स है, जिसके द्वारा हम मार्केट को इवेलुएट कर पाते हैं। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स भी होते हैं, जैसे निफ्टी बैंक। बैंक के शेयर प्राइस में आए हुए चेंजेस को निफ्टी बैंक दिखाता है। और भी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स हैं, जैसे BSE ऑटो, निफ्टी IT। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 1 जनवरी 1996 को एस्टेब्लिश किया गया था। निफ्टी NSE पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। NSE पर करीबन 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इतनी कंपनीज में से जो 50 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, निफ्टी उसे रिप्रेजेंट करता है। इन कंपनीज का सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेसिस पर होता है, जो SEBI या NSE सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता है। निफ्टी से कभी भी कोई भी कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वो बाहर हो सकती है, ऐसा कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1979 को हुआ था। सेंसेक्स BSE पे लिस्टेड कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। BSE पर करीबन 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। सेंसेक्स इतने कंपनियों में से जो 30 कंपनियां जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। सेंसेक्स से भी कोई भी कंपनीज कभी भी बाहर हो सकती है, इसका भी कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है।